Let us continue with integral calculus. आपने properties 1 to 10 देख लिया है, उसके आगे की properties देखेंगे। देखिए 1 to 10 जो properties थी वो simple properties, ठीक है, वो आसान वाली properties थी। And from 11 you will find some difficult properties. तो आइए याद करते हैं इसको, property 11, integral 1 by x square minus a square dx. Integral dx upon x square minus a square. ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, is equal to 1 by 2a. कैसे निकालेंगे, देखिए ये a जो यहां पे होगा x square minus a square, ये a यहां ले आइएगा 1 by 2a. इनटू क्या करेंगे उसके बाद, देखिए log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस, तो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन 2a इनटू log x माइनस a अपॉन x प्लस a. करके देखिए आपसे सॉल्व हो रहा है कि इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, चलिए सॉल्व करिए, और अब हम हर प्रॉपर्टी के साथ आपको एग्जांपल दे देके सॉल्व कराते जा रहे हैं, आप करते जाइए ताकि आप खुद ही कहोगे कि हम सॉल्व कर ले रहे हैं। हुआ कि नहीं, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो इंटीग्रल dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 2, ये यहां पे 2 है, 2 इंटू 2 इंटू लॉग, बताइए क्या करना है, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2, कोई बच्चा ऐसा जो ये कहेगा सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए आइए दूसरा वाला देखिए, इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अभी हम लोग क्या कर रहे थे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहां पे क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें भी वही चीज 1 अपॉन 2a log, लेकिन यहां देखिए क्या करना होगा आपको, अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तो न्यूमरेटर में प्लस करना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा a प्लस x अपॉन a माइनस, अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था तो आपने क्या किया था, x माइनस a अपॉन x प्लस, लेकिन अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है डिनोमिनेटर में तो a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस, चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाइए हमें, इंटीग्रल dx अपॉन 9 माइनस x स्क्वायर, इसको पहले तो फॉर्म चेंज कीजिए, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा तो 1 बाई 2 ए मतलब 1 बाई 6, ठीक है, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो 3 प्लस एक्स अपॉन,
14th देखिएगा, इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां डिनोमिनेटर में रूट में है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कैसे करेंगे, ये आएगा log x, log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा, अगर 1 बाई रूट ओवर अगर हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो कैसे होता है, log ब्रैकेट के अंदर x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खास बात यह कि जितनी प्रॉपर्टीज आप सीख रहे हैं यही अप्लाई करनी है, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करते समय कोई अपनी स्किल नहीं अडॉप्ट करनी है, जितनी प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़े हैं वो सारी प्रॉपर्टीज याद है तो कोई ना कोई एक उसी में से अप्लाई होनी है। ठीक है, इसी फॉर्म में होगा, कभी कभी फॉर्म डिफरेंट दिखता है लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल वैसे ही लिखना है log ब्रैकेट में x प्लस रूट ओवर या पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो जब भी डिनोमिनेटर में रूट के फॉर्म में है तो हमने समझ लिया कि हमको करना क्या होगा, log x, फिर क्या करेंगे हम प्लस रूट के अंदर जो भी दिया हुआ था। ठीक है, प्लस सी। ठीक है, देन 15th देखिएगा, फिफ्टींथ है कि आपको इंटीग्रेशन करना है f डैश x डिवाइडेड बाय f x dx। व्हाट इज f डैश x, d बाय dx ऑफ f x को क्या बोलते हैं, f डैश x, मतलब डिनोमिनेटर में जो है उसी का डिफरेंशिएशन कहां है, न्यूमरेटर। इफ न्यूमरेटर इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, तो पता है इसके केस में आंसर क्या होगा मेरा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस। तो हम इसको याद रखने का तरीका बताते हैं, मान लीजिए इंटीग्रल इंटीग्रल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डीएक्स है, जहां वेयर न्यूमरेटर इज इक्वल टू डी बाई डीएक्स ऑफ डिनोमिनेटर। अगर ऐसा आपको देखें कोई भी इंटीग्रल जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और आपको क्या दिखाई दे रहा है कि न्यूमरेटर इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, जैसे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, और न्यूमरेटर में आपको 2x दिख जाए। तो ये सब देखिए जल्दी जल्दी सोचना पड़ता है कि प्रॉपर्टीज कौन सी है। ठीक है, आंसर इमीडिएट मिल जाएगा, अगर ऐसा है तो आंसर आपका क्या होगा, लॉग ऑफ वैसे याद कीजिए कि अगर हमें एक इंटीग्रल मिलता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर डीएक्स, देन वी फाइंड दैट न्यूमरेटर इज डी बाय डीएक्स ऑफ डिनोमिनेटर, द आंसर विल बी लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। आपको इंटीग्रल बनाना है, नेक्स्ट देख रहे हैं, e पे पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब आपको ऐसे दिया हुआ है e पे पावर x है अलग से, और फिर क्या मिल रहा है आपको कि जो भी आपको एफ एक्स फंक्शन मिल रहा है उसी का डिफरेंशिएशन एडेड है, जैसे एक्स स्क्वायर ई पे पावर एक्स है और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या होता है टू एक्स। अब इस फॉर्म में मिला ई पे पावर एक्स
एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, और इसका आपको डीएक्स निकालना है। कैसे करेंगे? आंसर क्या है इसका? ई पे पावर एक्स एफ एक्स। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ई पे पावर एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेवनटींथ इंटीग्रल लिखिए, बिकॉज द वन विच हैज बीन ऑलरेडी स्टेटेड, जो स्टेटेड है वो पहले ही आपने देख लिया है। इंटीग्रल यूवी क्या होता है ये तो आपने देखा था, पॉइंट नंबर 10। अगर मान लीजिए हम कोई भी इंटीग्रल, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, अब पॉइंट नंबर 17 पे इसे नोट कर लीजिए। अगर मान लीजिए इंटीग्रल हमें देता है किसी भी कांस्टेंट का, ठीक है, एनी नंबर लाइक इंटीग्रल ऑफ 5, तो क्या लिखेंगे हम उसे? 5x, 6 दे दिया 6x, 1/2/3, इंटीग्रल ऑफ 2/3 क्या होगा? 2/3x, ठीक है, तो विल राइट इट एज kx प्लस, तो इंटीग्रल k dx इज इक्वल टू kx प्लस c। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम वेट करेंगे, हम देखेंगे कि आप कैसे प्रॉपर्टीज को कितनी देर लगाते हो, प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर लेते हो कौन सी लगनी चाहिए। देखिए मैथ्स प्रैक्टिस से होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आप सोच पाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत सोच, पहली बार आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और इमीडिएट सोच पा रहे हैं। जब हम उसी क्वेश्चन को कई बार कर लेते हैं तो फिर हम तुरंत जल्दी जल्दी सोचना शुरू कर देते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, हम लिख रहे हैं आपको सोचना है, इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। माइनस फाइव, माइनस फाइव, थोड़ी सी हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू। प्लस टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस फाइव। अब आपको आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि क्यों ऐसा कर रहे थे। बेसिकली हम इसको पता है किस फॉर्म में बनाना चाहते हैं, या तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में बन जाए। अगर इस फॉर्म में बन जाता है तो हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और इमीडिएट इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जब चेक करें कि आपको कितना प्रॉपर्टी याद है। मान लीजिए आपको इंटीग्रल मिलता है अपॉन ए वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर? 1/2a, फिर लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, चेक करिए क्या ये किसी तरीके से बन सकता है। तो हमने क्या किया, देखिए एक्स प्लस 4x को 2ab के फॉर्म में बना दिया, 2 इंटू एक्स इंटू टू। और फिर हमने क्या किया, माइनस फाइव तो था वो बाहर में लिख ही दिया है, और प्लस टू और माइनस टू हमने ये एक्स्ट्रा इंसर्ट कर दिया, प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हमें क्या फायदा मिल रहा है, ये देखिए डीएक्स इतना चेक करिए, एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस टू ए बी, एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस टू एक्स टू, क्या हो गया ये एक्स प्लस टू का। माइनस फोर और माइनस फाइव कितना होता है? माइनस नाइन। माइनस नाइन का मतलब माइनस थ्री का स्क्वायर।
बात समझ में आई। अब आप क्या कीजिए, इसको जब सॉल्व कीजिए तो एज्यूम इट एज एक्स, इसको एक्स मानते हुए करिए तो कैसे होगा। देखिए ये क्या है, इंटीग्रल वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म बन गया। इतनी बात समझ में आई सबको, आप कर लीजिए इसे। तो देखिए प्रैक्टिस क्या चीज की करनी है, यही तो प्रैक्टिस करनी है हमें, और यही हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि हमें कैसे करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपको ये क्वेश्चन दें और आप इमीडिएटली ये बात सोच लें कि इसको ऐसे ही करना चाहिए। जब हम कर लेते हैं दो चार क्वेश्चन ऐसे, तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि ऐसे होना चाहिए। तो बताइए क्या करना है होगा हमें, वन बाई टू ए, तो वन बाई टू इंटू, जल्दी बोलिए, फिर लॉग क्या होता है न्यूमरेटर में, हाँ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस ए का मतलब एक्स प्लस टू माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू प्लस थ्री, प्लस सी लगा लीजिए, तो ये हो गया वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव प्लस सी। करिए कौन सा आंसर आया, कौन सा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना चाहिए, चेक करके बस बताइए हमें। वो इंटीग्रल डी एक्स रूट ओवर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव कौन से फॉर्म में चेंज करें। हम लोग ने प्रॉपर्टी सीखी थी कि इंटीग्रल डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और अगर माइनस का साइन होता तो हम लोग प्लान करते एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। अब कोशिश करिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करने के लिए, करिए कोशिश। क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, हो रहा है कैसे किया बताइए, कैसे किया इसको, राइट। देखिए कैसे करना चाहिए हमको, यहां पे इंटीग्रल डीएक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू प्लस फोर प्लस वन, देखिए कैसे लिखा हमने, फोर एक्स को हमने लिख दिया टू इंटू एक्स इंटू टू, और फाइव को हमने कैसे लिख दिया प्लस फोर प्लस वन, ठीक है।
स्क्वायर और 2ab ये हो गया, ये कितना हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस 1 को क्या 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये x प्लस 2 को आप क्या मान लेंगे? x मान लीजिए, x प्लस 2 को x मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। रूट ओवर है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा? लॉग लॉग x प्लस 2, लॉग x होता है तो लॉग x प्लस 2 और फिर प्लस रूट ओवर जो भी दिया हुआ है x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर नहीं है, आंसर का फॉर्म डिफरेंट है थोड़ा। इसको अंदर ओपन कीजिए ब्रैकेट, लॉग x प्लस 2 रूट के अंदर, ये क्या बन जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। आंसर इज ए। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखिए। क्वेश्चन 20 तो अब आप ही को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 18 में बहुत कम अंतर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या था, क्वेश्चन नंबर 18 में 5 माइनस था, बाकी सब डिनोमिनेटर में प्लस थे, और इसमें उल्टा है, 5 पॉजिटिव फिगर है बाकी सब निगेटिव फिगर है। इंटीग्रेट करिए तो फाइव माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए हाउ शुड यू डू दिस, माइनस का साइन लीजिए बाहर, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन उल्टा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। अब हो जाएगा तो वही बन गया ना, माइनस इंटीग्रल डीएक्स अपॉन, ये हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या बना था, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये बना था जैसा हमें याद है एक्स प्लस टू का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर, ये बना था। इस माइनस साइन को अंदर इंसर्ट कर दिया जाए, माइनस साइन को अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा। अब हो जाएगा dx अपॉन 3 स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये फॉर्म पता है कौन सा बन गया, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कीजिए क्या होता है, 1 बाई 2a यानी 2 इंटू 3 लॉग, बोलिए लॉग क्या होता है, a प्लस x अपॉन ए माइनस ए प्लस एक्स का मतलब 3 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 2। प्लस सी 1 बाई 6 लॉग x प्लस 5 अपॉन 1 माइनस x।
द आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इंटीग्रल डीएक्स अपॉन एक्स बाहर है, कर्ली ब्रैकेट बना है, फिर स्मॉल ब्रैकेट बना है, लॉग एक्स का स्क्वायर कर दिया गया है, प्लस 4 लॉग एक्स माइनस 5। क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इसका? जब ऐसा दिखता है तो समझ में आ जाता है कुछ नहीं हो सकता है इसका, ठीक है। और जब भी ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो सकता है तो पता है आपको क्या करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन आसान कर दीजिए, ठीक है। जो इसमें परेशान कर रहा है उसी को गायब कर दीजिए, ठीक है। करिए आप लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड अगर हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ठीक है। अब देखिए 1 बाई एक्स डी एक्स इतना, इसकी जगह पे क्या बन गया डी जेड, और मेरे पास बचा क्या, जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड माइनस 5। अच्छा हो गया। अब हम इसको लिखेंगे इंटीग्रल dz अपॉन x नीचे था और ऊपर dx था, इन सब की जगह पे dz हो गया। अब log x स्क्वायर का मतलब z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 5। अब कुछ दिमाग लगाइए कि डिनोमिनेटर को किस फॉर्म में बनाया जाए, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। जैसे ध्यान दीजिए, क्या आपने ऐसा कुछ सॉल्व किया है कभी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 किसमें किए हो, 18 में किए, फिर जाके 20 में भी वही किए, ठीक है। तो ये तो हमको पता ही है ये क्या बनता है, जल्दी से बताइए ये क्या बनता है, dz डिवाइडेड बाई बोलो z प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब कर दीजिए 1 बाई 2a, 1 बाई 2a मतलब 2 इंटू 3 लॉग, क्या होगा x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस a का मतलब z प्लस 2 माइनस 3 अपॉन z प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1/6 लॉग जेड प्लस माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 5 प्लस, ठीक है। व्हाट विल हैव टू डू, अब जेड की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां पे रख दीजिए लॉग एक्स, वन बाय सिक्स लॉग लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस 5 प्लस। रेक्टिफाई कर लीजिए, बी आंसर को रेक्टिफाई करके इसे लिख लीजिए। रेक्टिफाई बी आंसर,
हटा सकते हैं इसको, एक प्रॉपर्टी सीखी लॉक की, एनफेट लॉक में सीखा भी है आपने, ए पे पावर लॉक ए बेस ई, ई पे पावर लॉग ए है, और अगर बेस ना भी दिया हो तो बेस क्या मानते हैं लॉक का, ई। जो यहां पे है ठीक है, अगर वही यहां का बेस पता है आंसर क्या आएगा, समझाते हैं बात। सपोज हम कहते हैं ए लॉग बेस ए एक्स, तो ये कितना आएगा, अगर ए और ए ये दोनों यहां पे है तो अब आंसर क्या आएगा, ये आंसर। फिर से करते हैं एक और, अगर ये प्रॉपर्टी हमें पता है तो इंटीग्रेशन के अगले क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर से देखिएगा, ए लॉग बेस में ए है, एक्स स्क्वायर है, अब बताइए क्या होगा, बोलिए एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है नंबर, फिर से लिख देते हैं एक और, सॉल्व कीजिए, ई लॉग बेस ई है, ए स्क्वायर है, बस आपको ध्यान रखना है ये दोनों बराबर हो, ठीक है। जैसे यहां पे भी हमने क्या किया था, ए था तो ये इसका लॉग का भी बेस क्या किया था, ये का। अब बताइए हमें एम लॉग एन ये क्या होता है, log n टू दी पावर m, ये भी आपको पता है, बोलिए हाँ या ना, पता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये और बेस अगर ना दिया हो तो बेस e होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इंटीग्रल ई पे पावर एक्स लॉग बेस ई ए माइनस ई पे पावर ए लॉग बेस ई एक्स डी। पहले देखिए हम कितना फोकस कर रहे हैं, सिर्फ हम इतने ई पे जो पावर है देखिए वो क्या लिखा हुआ है, ई का पावर एक्स लॉग बेस ई ए, ये बताइए इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज एक्स लॉग ए, लॉग ए पे पावर एक्स, ठीक है। इसको हम लिख रहे हैं ई लॉग बेस ई ए पे पावर एक्स, ठीक है ना, ये क्या है एक्स लॉग ए ही तो है, एंड वी कैन राइट इट एज लॉग ए पे पावर एक्स। वैसे ही यहां पे भी करिए, माइनस ई लॉग बेस ई है एक्स पे पावर ए डी एक्स। अभी अभी आपने कुछ सीखा था यहां पे, उसके हिसाब से बताइए ये क्या हो जाएगा, ई पे पावर लॉग ए एक्स बेस ई क्या हो जाएगा, ई पे पावर ए पे पावर एक्स माइनस एक्स पे पावर ए, देखिए कितना आसान हो गया। निगेटिव है, सब्सट्रैक्शन रूल लगेगा, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट,
कर सकते हैं, ए पे पावर एक्स क्या होता है, इंटीग्रेशन ए पे पावर एक्स प्रॉपर्टी याद की हो आप, बताइए, ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग, याद है सबको, ए पे पावर एक्स लॉग, ए पे पावर एक्स लॉग ए, बेस नहीं बोल रहे हैं तो बेस माइनस एक्स पे पावर ए, तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन, एक्स पे पावर एन होता है तो क्या करते हो, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, चेक कर लीजिए कौन सा आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए देखने में ही खतरनाक लगता है ये, ऐसा नहीं है कि खतरनाक होता है, अगर हमने प्रैक्टिस की है तो बहुत आराम से हो जाएगा। और फिर अगली बात की क्वेश्चन भी ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी आ जाना है, क्वेश्चन भी इन्हीं सब में से आएगा। क्वेश्चन 23 देखो, इंटीग्रल ई पे पावर 5 लॉग बेस ई एक्स माइनस ई पे पावर 3 लॉग बेस ई एक्स अपॉन ई पे पावर 4 लॉग ई एक्स माइनस ई के पावर 2 लॉग बेस ई एक्स डी। अब ये देखने में खतरनाक सा है, हम तुरंत इसको आसान से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बोलिए क्या बनेगा सिंप्लीफाई होकर, ये देखिए 5 लॉग एक्स है तो ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स टू दी पावर 5, ई और ई दोनों में है तो ये एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा 5, ये एक्स पे पावर 5 है, ये क्या है एक्स पे पावर 3 है अपॉन, ये क्या है एक्स पे पावर 4 है, ये क्या है एक्स पे पावर 3। अब क्या करें, एक्स कॉमन लीजिए न्यूमरेटर, ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे न्यूमरेटर में तो बचेगा एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पे पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये काट देंगे बचेगा इंटीग्रल एक्स डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं हो पाएगा तो सारे क्वेश्चन का आंसर ही याद कर लेंगे, देखते हैं कैसे गलत होता है। और ऐसा थोड़ी ना है कि बगल वाले से पूछने पे एकदम सख्त मनाई है, थोड़ा बहुत तो चलता ही है। क्वेश्चन 24, इंटीग्रल एक्स क्यूब रूट के अंदर 2x पे पावर 4 प्लस 5 डी, कौन सा फॉर्म बना दे इसको, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इसको, बोलिए
जल्दी देखें कौन बोल पाता है, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें इसको। ऐसा कोई फॉर्म नहीं बन पाएगा, ये खतरनाक टाइप का ऐसा कोई फॉर्म थोड़ी ना था। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आए तो क्या कर देना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, उसको आसान बनाते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है हमको। डिनोमिनेटर में होता तो कुछ एक बार दिमाग भी लगाते हैं कि शायद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कुछ इस फॉर्म में बन जाए, यहाँ पे कुछ नहीं लगना है। किसको सब्स्टिट्यूट करें, 2x पे पावर 4 प्लस 5 इतना पूरा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उसकी जगह जेड रख देंगे, रूट के अंदर जेड रख देंगे तो अच्छा हो जाएगा। 2x पे पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू, अब कोई बच्चा कह ही नहीं सकता कि सर हमसे नहीं हो रहा है, क्योंकि आप खुद ही बता रहे हो कि सर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना होगा 8x क्यूब dx इज इक्वल टू dz। हमारे पास यहां पे देखिए x क्यूब और dx है, तो हम चाहते हैं x क्यूब और dx की जगह पे क्या रखें, तो x क्यूब और dx यहां रहने दीजिए, क्या कर लीजिए अब 1 बाई 8 dz। ठीक है ना, आपका क्या बिना लिखे काम चल जा रहा है क्या? फिर लास्ट में जब आंसर आएगा तो टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए क्या किया जाए, एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/8 डी जेड, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह पे 1/8 डी जेड रखेंगे तो 1/8 हो गया और रूट के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे कि आपने हथियार डाल दिया हो कि छोड़ो हटाओ, जैसे होता है ना कि युद्ध कर रहे हैं तो तलवार रख देते हैं कि अब नहीं होगा, तो वैसे ही आपने पेन रख दिया। मतलब जंग लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिया। अब देखिए इसको कैसे 1/8 तो बाहर ले लेते हैं, कॉन्स्टेंट है, जेड पे पावर 1/2 डीजे। जेड पे पावर 1/2 डी जेड क्या होगा जल्दी बताइए, जेड पे पावर n है तो जेड पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1/8 जेड पे पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से 24, और 2 ऊपर है 2/24 तो यानी 1/12, 1/12 जेड की जगह पे वापस से रखिए, जेड की जगह पे हमने रखा 2x पे पावर 4 प्लस 5 3/2 प्लस c। जिन लोगों ने भी हथियार डाल दिए हैं वो आंसर टिक कर लें, आंसर कौन सा टिक हो गया है, होगा बी। क्वेश्चन 25 देखिए, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स अपॉन लॉग एक्स डीएक्स, कोई बताएगा ये कौन से फॉर्म में है,
कौन से फॉर्म में है ये? कोई फॉर्म में नहीं है, कुछ है? चेक करो ध्यान से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर सिखाया था, जिसमें डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में पता है क्या होता है? डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? 1/x। तो अगर आपको कोई फॉर्म मिलता है इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, वेर इन यू फाइंड दैट कि न्यूमरेटर इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, देन द आंसर इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? लॉग एक्स ही है, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। चलिए एक काम करते हैं, हम एक चीज हटा ही देते हैं आपको, इतना परेशान होंगे क्या करें। चलिए रटिए, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका अगर इंटीग्रल dx होगा तो ये आएगा 1/x। जैसे अब इसमें कई सारे तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आंसर पता है क्या आएगा? 1 अपॉन x। बस आप ऐसे देखिएगा, 1 अपॉन जो चीज है -1 अपॉन उसी का क्या हो? स्क्वायर। तो बस जो पहले वाला है वही आपका आंसर, ये ठीक रहेगा। चलिए अगर ये ठीक रहेगा तो इसी से हम लोग 3-4 क्वेश्चन कर डालते हैं। क्वेश्चन 26 है, इंटीग्रल ई पे पावर एक्स 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? ई पे पावर एक्स, और इस पूरे का इंटीग्रल क्या होता है? 1/x। तो कर लीजिए ई पे पावर एक्स इंटू 1/x, क्या होगा? ई पे पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी आप लगा सकते। कम से कम बच्चे इतना तो सीख गए कि प्लस सी लगता है, जैसे 4 आंसर है जिसमें 3 में प्लस सी ना लगा हो तो वैसे ही आप आंसर लगा दोगे। और आप कहते हो कि हमको समझ में नहीं आया, बताओ। बताओ अगर 4 आंसर दिया हो, 1 में प्लस सी हो, 3 में ना हो, तो आंसर लगा दोगे कि नहीं? ठीक, देखिए हुनर तो आ ही गया है आप में, बस आपको पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 27 या करिए आप लोग, कोशिश करिए, इसी फॉर्म में बनेगा, इतनी हेल्प करते हैं आप। कन्वर्ट हुआ उस फॉर्म में, जो पेन रख चुके हैं वो कोशिश ना करें। देखिए लॉग एक्स डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का स्क्वायर, देखिए ये दोनों में ही डिवाइडेड है ना, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय लॉग एक्स का स्क्वायर।
सिंप्लीफाई किया, ये log x का स्क्वायर दोनों के डिनोमिनेटर में डाल दिया अलग, तो अब ये क्या बनेगा बताइए, ये log x है और डिनोमिनेटर में log x का स्क्वायर है, तो क्या आएगा 1 अपॉन log x, इंटीग्रल 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। ये सौतेला व्यवहार करने से थोड़ी ना होगा कि नहीं हम इंटीग्रेशन के साथ सौतेला व्यवहार करेंगे और फिर भी हो जाना चाहिए, इसको भी वही प्यार दीजिए जो बाकी चैप्टर्स को आपने दिया। इतने का तो आपको मालूम है क्या होता है 1 बाई log x। अब एक बात समझिए, इन सब में से करते हैं, इन सब में क्या इंटू वन लगा देंगे तो कुछ अलग बात है क्या? नहीं, जैसे यहां वाले क्वेश्चन में इंटू पता है क्या था इसमें e पे पावर x, जहां कुछ भी मल्टीप्लाइड नहीं है तो इंटू वन है कि नहीं है, इंटू वन तो है ही, ठीक है। अब ये 1 dx क्या होगा, इंटीग्रल 1 dx x, तो इंटू कर दिया x, अब आंसर क्या हो गया x अपॉन log x प्लस c। कौन सा आंसर है? सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा? डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, सी में तो सी है ही नहीं, सी में तो प्लस सी ही नहीं है। देखो ये तो आप लोग पकड़ लिए, क्वेश्चन 28, इंटीग्रल 1 प्लस x अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर e पे पावर x और dx। ये इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ये फॉर्म चेंज होके इसी फॉर्म में आ जाएगा जो हमने आपको सिखाया था 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। कोशिश करिए, थोड़ी सी हम हेल्प कर देंगे ना तो आप जल्दी कर लोगे। लो एक स्टेप हम करके दे रहे हैं, x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर e पे पावर x। और अगर अब भी कन्वर्ट ना हो रहा हो ना तो फिर बादाम खाना पड़ेगा। वाह, देखिए क्या होगा, इंटीग्रल x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का स्क्वायर, और e पे पावर x को अलग से ही रखते हैं। ये
ये पता है क्या बन गया, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस टू का स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाइड है ई पे पावर एक्स डीएक्स। अब बताइए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या आता है, 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ एक्स की जगह पे एक्स प्लस टू है तो 1 अपॉन एक्स प्लस टू, और ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स, तो आंसर हो जाएगा ई पे पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इंटीग्रल एक्स लॉग एक्स, एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ये पता है क्या हो गया, इंटीग्रल यू इंटू वी। अब यू इंटू वी याद है कैसे होता है, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। ठीक है, ये करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना होगा जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, एंड दैट इज एल ए ई। सबसे पहले आप लॉगरिथम को लीजिए, उसके बाद अगर एलजेब्राइक है तो एलजेब्राइक लीजिए, और ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, मतलब कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म को हमेशा कैसे लिखिए। अगर मान लीजिए दिया हुआ है एक्स इंटू लॉग एक्स, तो देखिए एक्स क्या है हमारा एलजेब्राइक, और लॉग एक्स लॉग वाली वैल्यू है, लॉगरिथम है, तो लॉग को पहले लिखिए एलजेब्राइक को बाद में, इससे आप जल्दी आंसर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोग पहले क्या कर देंगे, लॉग कर देंगे बाद में अलजेब्राइक। हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं लॉग एक्स इंटू एक्स, अब हमको बताइए जल्दी से कैसे होता है, फर्स्ट इंटू जल्दी बोलिए इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फिर माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड करो लॉग एक्स, तो ये ऐसे ही है। अब ये इंटीग्रल एक्स डीएक्स क्या होता है, क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू। देखिए जल्दी जल्दी तो आप लोग से निकल भी नहीं रहा है क्या होता है, तो फिर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अगेन एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, यानी ये पोजिशन है लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रल कितने का एक्स बाई टू। ठीक है, ये
ये जो टू है ये बाहर आ जाएगा 1/2, ठीक है, और अंदर रह जाएगा एक्स डीएक्स। तो उसकी इंटीग्रल बनाइए, क्या होगा, लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू। एक चीज जो सबको आती है, प्लस सी। देख लीजिए अब कौन सा आंसर है। आंसर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स और माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर बाई फोर है, एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस सी। आज तक हमको यही पता था कि मुस्कुराते हुए बच्चों के चेहरे का मतलब ये होता है कि बच्चों को सब आ रहा है सब, लेकिन आज ये गलतफहमी दूर हो गई। मुस्कुराते हुए चेहरे का मतलब ये भी हो सकता है कि हमने जंग छोड़ दी। बगल वाला हवा में तलवार मार रहा है। 30 देखिएगा, इंटीग्रेशन एक्स ई पे पावर एक्स। अच्छा, जब भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप अगर एल ए ई के फॉर्म में रखोगे तो जल्दी आंसर आएगा, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चेक करिए क्या ये एल ए ई के फॉर्म में है, मतलब यहां पे एक एलजेब्राइक है एक एक्सपोनेंशियल है, तो पहले एलजेब्राइक होना चाहिए बाद में एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। एलईई में लॉग एलजेब्राइक है तो पहले लॉग हो फिर एलजेब्राइक हो, एलजेब्राइक एक्सपोनेंशियल हो तो पहले क्या होना चाहिए, एलजेब्राइक हो बाद में एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है। एक लॉगरिथम है एक्सपोनेंशियल है तो पहले लॉग को रखिएगा बाद में एक्सपोनेंशियल को, तो एलजेब्राइक और एक्सपोनेंशियल है तो ये बिल्कुल ठीक है, एई है, ठीक है। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ठीक है, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल, ई पे पावर एक्स ही होता है तो एक्स ई पे पावर एक्स माइनस इंटीग्रल का साइन ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, वन वन इंटू कुछ भी करेंगे तो उतना ही आएगा, तो इसको छोड़ दीजिए। अब ई पे पावर एक्स का इंटीग्रल, ई पे पावर एक्स बाहर आ गया डी एक्स, ये हो गया एक्स ई पे पावर एक्स माइनस ये क्या आएगा, इंटीग्रल ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स और प्लस सी। कौन सा आंसर है, ये अगर हम ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल और यहां लिखते हैं फाइव और थ्री, तो ये फाइव और थ्री क्या होता है, दीज आर कॉल्ड लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। ये फाइव को कहा जाता है अपर लिमिट और ये थ्री को कहा जाता है लोअर लिमिट ऑफ।
तो पहले हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और बाद में इस अपर और लोअर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स की जगह पे। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहां हमें लिमिट्स भी दी हुई है 5 और 1, 2x प्लस 3 डी। ठीक है, पहले इंटीग्रेट कीजिए, भूल जाइए कि इसकी लिमिट्स क्या है। ठीक है, 5 और 1 को भूल जाइए और इसे इंटीग्रेट कीजिए। सिर्फ 2x प्लस 3 इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x? 2 बाहर, x का x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, 2 बाहर और x का x स्क्वायर बाई 2, यानी ये आएगा x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 का क्या होगा? ठीक है, अब जो भी आपका आया बाहर आप लिखिए 5। सॉल्व कीजिए इसको फर्दर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x 5 1। देखिए, अगर ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। अब एक बार x की वैल्यू 5 रखनी है फिर 1 रखनी है। देखिए कैसे हम करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1। एक्स की वैल्यू 5 रखेंगे, माइनस करेंगे उसमें से जब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे। तो ये कितना हो रहा है, 5 स्क्वायर 25 प्लस 15, 25 प्लस 15 40, और ये कितना है 4, 40 माइनस 4 36। ए इज द आंसर। इंटीग्रल 4 टू 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो पहले तो इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट्स को इग्नोर करिए, सिर्फ इंटीग्रेशन पे ध्यान दीजिए। क्या होगा 3x स्क्वायर का, देखिए 3 तो बाहर हो जाएगा और x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाई 3। ठीक है, और 3 और 3 कट गया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स। कैसे बताएं कैसे हुआ, 3x स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करेंगे 3 बाहर ले लेंगे और एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा एक्स क्यूब बाई 3। ठीक है, तो 3 और 3 कटा एक्स क्यूब बचा। इंटीग्रेशन 1 का कितना होगा बोलो, एक्स क्यूब प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर लीजिए 4 और 2 लीजिए। ठीक है, अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए x की जगह पे 4 को, तो 4 का क्यूब प्लस 4 माइनस 2 का क्यूब प्लस 2, 68 माइनस 10 इज इक्वल टू 58। आंसर इज बी।
इंटीग्रल ई स्क्वायर नीचे ई वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डीएक्स। आपने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था जब वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डीएक्स था, पता हमने क्या किया था, लॉग एक्स की जगह पे जेड रख दिया था। वही काम कर करेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। लॉग एक्स इज इक्वल टू जेड, जब लॉग एक्स की जगह जेड रखेंगे तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कीजिए, तो वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। ठीक है, इसमें वन बाई एक्स डी जेड था उसकी जगह पे डी एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स की जगह पे डी जेड हो गया और लॉग एक्स की जगह पे जेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा आपको, अब देखिए हमने क्या किया है, x की जगह पे z रख दिया है। ठीक है, तो e की जगह पे हमें z में अब क्या रखना पड़ेगा और e स्क्वायर की जगह पे क्या रखना पड़ेगा ये भी देखना पड़ेगा। हमने x को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह पे क्या ला दिया z, जब x यहाँ पे होता था तो ये लिमिट्स इसकी थी e और e स्क्वायर, अगर x की जगह z हो गया है तो क्या e और e स्क्वायर की जगह लिमिट भी कुछ और हो जाएगी, ये देखने जा रहे हैं। ठीक है, x की जगह पे हम e रख देते हैं, देखिए यहाँ पे log e, log x की जगह पे हमने रख दिया, x की जगह पे e रख रहे हैं, तो अब जो वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज log x इज इक्वल टू z। ठीक है, तो यानी हम x की जगह पे अगर z रखते हैं तो ये e और e स्क्वायर नहीं रख सकते। ठीक है, तो log e इज इक्वल टू z, तो अब देखिएगा जरा log e इसका बेस नहीं है तो इसका मतलब वो बेस क्या होगा इसका e, log e टू द बेस e कितना होता है 1, यानी अगर x की जगह e है तो z की जगह पे पता है क्या होना चाहिए फिर 1। जब x था और हम e रख रहे हैं तो जब z करेंगे x की जगह पे तो e की जगह पे क्या हो जाना चाहिए 1 हो जाना। आ रही है ना बात समझ में सबको, नेक्स्ट बात समझिए, log e e स्क्वायर ये कितना, कैसे पता आपको 2 होता है, ये पता है क्या बन जाएगा 2 log e बेस e और log e बेस e 1 होता है, 2 into 1 is equal to 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए। देखो आपको ऐसा करना पड़ेगा, जब आप x की जगह पे z सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो अगर लिमिट दी हुई है तो x की जगह पे e रख, जो भी लिमिट दी हुई है वो x की जगह पे रखिए और देखिए अब z क्या बन रहा है, तो लिमिट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अब इसी को हम फिर से रीराइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, ऊपर लिखेंगे 2 और लिखेंगे 1 बाई डी जेड बाई जेड, 1 बाई एक्स डी एक्स की जगह पे डी जेड और लॉग एक्स की जगह पे जेड, ये हो गया। ठीक है, 1 बाई जेड डी जेड क्या होता है लॉग जेड, तो 2 1, अच्छा ऐसे लिखते हैं हम इसको, लॉग जेड 2 और 1, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये हो गया लॉग 2 माइनस लॉग 1, लॉग 2 लॉग 1 कितना होता है लॉग 1 बोलो, log 1 इज इक्वल टू 0,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रल 2 1 dx अपॉन एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। क्या करना चाहिए यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है? सब्स्टिट्यूट करिए, व्हाट शुड बी सब्स्टिट्यूट हियर? 1 प्लस लॉग एक्स, इतना सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 प्लस लॉग एक्स को जेड कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट कीजिए, d बाई डी एक्स ऑफ 1 जीरो हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी जेड। ठीक है, ये तो ठीक है। 1 देखिए, 1 बाई एक्स डी एक्स इतना हो गया, इसकी जगह पे dz रख देंगे, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर पे z स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा dz अपॉन z स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिमिट भी चेंज होगी कि नहीं? होगी। अब हमको करना क्या होगा, लिमिट्स बनाने होंगे x और z। अगर x की जगह पे 1 है और 2 है तो z की जगह पे क्या होना चाहिए? x की जगह पे 1 रख के देखिए, x की जगह पे 1 रख के देखिए, यहां 1 प्लस लॉग 1, 1 प्लस लॉग 1 1 होगा। आया ना समझ में सबको? अब x की जगह पे 2 रख के देखिए, 1 प्लस लॉग 2, 1 प्लस लॉग 2, राइट इट एज 1 प्लस लॉग 2। यानी अब इसको फिर से लिखिए, जहां 2 है वहां पे तो लिखिए 1 प्लस लॉग 2 और नीचे लिखिए 1 dz अपॉन z स्क्वायर। वन अपॉन एक्स टू दी पावर एन होता है तो क्या होता है, माइनस वन अपॉन एन माइनस वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन जेड हो जाएगा। ठीक है, माइनस वन अपॉन जेड, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन जेड, ब्रैकेट के अंदर ऊपर रहेगा द अपर लिमिट इज 1 प्लस लॉग 2 और लोअर लिमिट इज। देखिए सबको क्लियर है कि नहीं? अब हम इसे लिखेंगे माइनस वन अपॉन जेड की जगह पे 1 प्लस लॉग 2। ठीक है, वन अपॉन वन प्लस लॉग टू और माइनस वन अपॉन वन। ठीक है, एक्चुअली ये साइन तो पहले से ही माइनस है ना, तो ये माइनस अलग कर लिए हैं। और फिर क्या होता है, एक बार अपर लिमिट लगाइए, माइनस करके लोअर लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये माइनस साइन जब अंदर लाएंगे तो ये वाला प्लस, तो 1 प्लस, ये देखिए ये 1 हो गया, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लॉग। ये क्लियर है सबको? ये माइनस साइन प्लस हो गया, ये प्लस वाला जो था ये माइनस। अब ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग 2, एलसीएम ले लीजिए, ये जाएगा 1 प्लस लॉग 2 माइनस 1।
ये हो गया log 2 अपॉन 1 प्लस log 2। सी इज द करेक्ट। इंटीग्रल 4 to 3x माइनस 2 का स्क्वायर dx, x टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 3x माइनस 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। लेकिन x की जगह पे पता है आपने क्या यूज किया है, 3x माइनस 2, ठीक है। तो इनटू क्या करना पड़ेगा, 1 बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2, ठीक है। तो इनटू 1 बाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस 2 कितना होता है, क्लियर है ना सबको। तो जब डिफरेंशिएट करते हैं ना और x की जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट करते हैं तो d by dx ऑफ दैट एलिमेंट हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। व्हाट वी हैव डन इज x पे पावर n वाला फॉर्मूला लगाया, x पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन x की जगह पे यूज हो रहा था 3x माइनस 2, तो हमने क्या किया, 1 अपॉन d by dx ऑफ 3x माइनस 2 कर दिया, और d by dx ऑफ 3x माइनस 2 कितना होता है, 3, ठीक है। इस पूरे पे अब ऊपर पकड़ाइए 4 और 2, अब ये बन गया, थोड़ा सा इसको और सिंपल करिए, 3x माइनस 2 पे पावर 3 अपॉन 9, 4 और 2, अब कर लीजिए आप 3 इंटू 4 माइनस 2 पे पावर 3 अपॉन 9 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2 पे पावर 3 अपॉन 9, है ना। अब 3 इंटू 4 12 माइनस 2 10, 10 पे पावर 3 1000 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 माइनस 2 इज 4, 4 पे पावर 3 16 इंटू 4 64 बाय 9 इज इक्वल टू 936 बाय 9 104। आंसर इज ए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस।